गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल UF रिएक्शन। दिस इज उसामा, दिस इज मारिया, दिस इज ओवर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तो फिर से एक मजेदार किस्म की वीडियो लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। सो गाइस, काफी देर से एक वीडियो पे हमें कमेंट कर रहे थे लोग, काफी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की कि यार इस पे आप रिएक्शन करें, इस पे आप रिएक्शन करें। तो फाइनली हमने सोचा कि क्यों ना यार आज इस पे रिएक्शन किया जाए। आज हम इंडिया की ट्रेन के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है, जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके बारे में काफी चर्चे में थी ये चीज, ठीक है, काफी इसके बारे में लोगों ने बातें वगैरह की है कि बहुत अच्छी ट्रेन है, काफी एक्सपेंसिव ट्रेन है। उसके बारे में मुझे बताएं जरा थोड़ा। बिल्कुल, और टाइटल से जैसे आपको सामान्य बता दिया कि वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड बिल्कुल इंजन लेस ट्रेन है ये, और फास्टेस्ट ट्रेन है। हाँ बिल्कुल, और काफी अरसे से इसके बारे में शायद जो है वो आ रहा था कि ये प्रोजेक्ट एक आ रहा है। अब देखते हैं कि ये जो है ट्रेन वो कैसी बनी हुई है और किस तरीके से दिखाते हैं इस वीडियो में, और उम्मीद है कि वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो मजा आने वाला है इस वीडियो पे। ये ट्रेन बहुत ज्यादा हाई स्पीड की ट्रेन लग रही है और बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेन लग रही है। जी तो गाइस, मजा आने वाला है वीडियो देखने का, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले वीडियो देखते, बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लास्ट में क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो स्ट्रेट विद हैवी गो। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन को साकार कर रही है। 97 करोड़ की लागत और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम और अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चलने वाली ये ट्रेन बनी है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में सिर्फ 18 महीनों में, जिसमें है कम्फर्टेबल सीट से लेकर GPS पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, CCTV कैमरास और इमरजेंसी में ड्राइवर से बात करने के लिए टॉक बैक फैसिलिटी। साथ ही एग्जीक्यूटिव क्लास कोचेस को खास बनाती है। इसमें लगी 180 डिग्री तक घूमने वाली रिक्लाइनिंग चेयर्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, डिफ्यूज्ड लाइटिंग और रीडिंग लाइट्स। आराम के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, तभी तो इस ट्रेन में लगे हैं ऑटोमेटेड स्लाइडिंग डोर्स और ऑटोमेटिक स्टेयर्स जो केवल ट्रेन के रुकने पर ही खुलते हैं। इस ट्रेन की सबसे खास बात तो ये है कि जहां बाकी रेलगाड़ियां दिल्ली से वाराणसी पहुंचाती हैं 13 से 15 घंटों में, वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 8 घंटे में पहुंचाएगी। ये सारी बातें बनाती हैं इसे एक एडवांस ट्रेन। वैसे जानते हैं ये ट्रेन बनी है भारत में मेक इन इंडिया के तहत। जरा सोचिए कैसा होगा जब अत्याधुनिक तकनीक से बनी ऐसी कई ट्रेनें तेज रफ्तार से भारत में विकास की पटरियों पर दौड़ेंगी, तो हम कितनी तेजी से न्यू इंडिया की ओर बढ़ेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं देश को समर्पित। बहुत जबरदस्त यार। अच्छा, छोटा सा वीडियो था लेकिन बड़ा जबरदस्त उन्होंने इसमें बताया है और बड़ा जबरदस्त कवर किया है इस वीडियो में। और वीडियो ये जो है जी PIB इंडिया का वीडियो है और इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनके चैनल को लाइक फॉलो करें, शेयर करें। और बड़ी जबरदस्त इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रेन है। और दूसरी बात ये मजे की बात ये है कि इसके अंदर की इंडिया की फर्स्ट ट्रेन है जो उन्होंने खुद हाई स्पीड वो मेड इन इंडिया है और चेन्नई की किसी फैक्ट्री जो है वो रेडी हुई है, कंपनी ने बनाई है। और उसके अलावा जो इसमें मतलब आपने देखा है कि जो सीट्स थी वो 180 डिग्री तक जो है वो घूम सकती है और अच्छी सीट्स है कि आप आराम से लेट सकते हो, कंफर्टेबल सीट्स से बैठ सकते हो। बिल्कुल, और ये कि वॉशरूम डोर भी उन्होंने देखा है स्लाइड की तरह खुल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था वो प्लेन है कोई, मतलब कोई एरोप्लेन है, दूसरा ये कि मतलब ट्रेन के जो बाहर पांव रखने वाली जगह होती है वो भी उन्होंने वो ऑटोमेटिक रखी हुई है, मतलब स्टेशन पे रुकेगी तभी खुलेगी। हर सीट के साथ उन्होंने चार्जर पॉइंट्स बने हैं, आराम से आप लोग चार्जर वगैरह लगा सकते हैं, टेबल्स वगैरह भी
टेबल्स वगैरह भी इनके साथ हैं, यानी कि बहुत, यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा, यानी कि काफ़ी अच्छे खाने पीने होंगे, क्योंकि ट्रेन में इतने अच्छे खाने पीने नहीं होते। बिल्कुल ये, और सेफली उन्होंने बोला सफ़र वगैरह सेफ, हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा उम्र भाई ये भी बता रहे थे कि 90+ करोड़ की बनी हुई है, 97 करोड़ में ये बनी है, पूरा प्रोजेक्ट जो है तैयार हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये 18 मंथ में कंप्लीट हुई है, 18 महीनों में, ये बड़ी बात है, मतलब इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है, 18 महीनों में बिल्कुल तैयार हुई है, कंप्लीट हो गई है, हाई स्पीड वाली है, ये भी बड़ी बात है। और इंजनलेस ट्रेन है और बड़ा जबरदस्त ये मुझे प्रोजेक्ट लगा है, और इसकी जो स्पीड है वो 160 टू 180 के राउंड अबाउट है, मतलब इस तरह। और बैठ तो हम सकते नहीं है क्योंकि ये इंडिया में है, लेकिन और अच्छी लग रही है। और ये भी बता रहे थे कि जो दूसरी ट्रेन जो 12-13 घंटों में सफर करती है, ये 8 घंटे में कर देगी, मतलब ये बड़ी एक हाई स्पीड है। मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी चीज, जो प्राइम मिनिस्टर है ये उन्हीं का ही, उनकी गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, और जो कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, और ट्रेन मतलब एक हाई स्पीड ट्रेन जो है वो चलने जा रही है। आई थिंक मेरे ख्याल से उमर भाई उसका इफ्तिताह कर चुके हैं, हो सकता है। तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि ये जो ट्रेन है ये मतलब चल चुकी है या अभी इसने ओपनिंग इसकी हो गई है कि नहीं हुई, तो ये हमें कमेंट सेक्शन पे लाजम बताइएगा। तो वीडियो मजे का, तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दें, सपोर्ट करें, मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।